नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। उरी में सेना के कैंप पर आतंकी हमला, 17 जवान शहीद। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास सेना आधार शिविर पर 4 आतंकवादियों ने रविवार सुबह करीब 5:30 बजे बड़ा हमला किया, जिससे तंबुओं में सो रहे 17 जवान शहीद हो गए जबकि 20 अन्य घायल हो गए। जवाबी कार्रवाई में चारों आतंकवादियों को मार गिराया गया। आतंकवादियों में से बरामद सामान पर पाकिस्तान निर्मित होने के निशान है। बताया जा रहा है कि इस हमले को जैश ए मोहम्मद सरगना मसूद अजहर के इशारे पर अंजाम दिया गया। इस हमले को लेकर देश भर में बदले की मांग उठ रही है। प्रधानमंत्री ने इसकी तीखी निंदा करते हुए ट्वीट किया कि हम उरी में कायराना आतंकी हमले की तीखी निंदा करते हैं। मैं देश को आश्वस्त करता हूं कि इस घृणित हमले के पीछे जो लोग हैं वे सजा से नहीं बच पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में एक साथ 3 तलाक का विरोध करेगी सरकार। केंद्र सरकार महिला अधिकारों के आधार पर एक साथ 3 तलाक की व्यवस्था का उच्चतम न्यायालय में विरोध करेगी और इस बात पर जोर देगी कि इस मुद्दे को समान आचार संहिता के चश्मे से न देखा जाए। कानून मंत्रालय इस मुद्दे पर इस महीने के आखिर में समग्र उत्तर दाखिल करेगा। गृह मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री अरुण जेटली, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने चर्चा की कि बहुविवाह, एक साथ 3 तलाक और निकाह हलाला के मुस्लिम परंपराओं के मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय में सरकार का क्या रुख होगा। दूसरी ओर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस महीने की शुरुआत में देश की सर्वोच्च अदालत से कहा था कि सुधारों के नाम पर पर्सनल लॉ फिर से नहीं लिखा जा सकता। आपके 27 विधायकों की सदस्यता खतरे में। आम आदमी पार्टी के 27 विधायकों की सदस्यता खतरे में है। इन पर लाभ के पद पर होने का आरोप है। इनके खिलाफ चुनाव आयोग को जून में शिकायत मिली थी। आयोग ने इसे राष्ट्रपति के पास भेज दिया है। ये मामला विधायकों को संसदीय सचिव बनाने से अलग है। खास बात यह है कि 27 विधायकों में से 10 सदस्य सचिव पद से जुड़े हैं, जिनकी सुनवाई चुनाव आयोग में पहले ही चल रही है। कानून के छात्र विभोर आनंद ने चुनाव आयोग को दी शिकायत में आरोप लगाया कि ये विधायक रोगी कल्याण समिति में अध्यक्ष पद पर है। चूंकि यह लाभ का पद है, इसलिए इनकी विधायकी रद्द की जाए। साथ ही कहा कि विधायक इस समिति में सदस्य के तौर पर शामिल हो सकते हैं, लेकिन अध्यक्ष पद पर नहीं रह सकते। अब यह मामला राष्ट्रपति के पास है। देखना यह है कि राष्ट्रपति इस पर क्या फैसला देते हैं।